सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं आपके काव्य खंड का जो 13वां पाठ है, जिसका नाम है गांव का घर, जिसकी रचना की है ज्ञानेंद्रपति ने। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे लेखक ज्ञानेंद्रपति से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को और समझेंगे इनके बारे में, देखेंगे कि इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और उनका उत्तर क्या होगा। इन सभी चीज़ों को हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को और जानते हैं लेखक ज्ञानेंद्रपति के बारे में। तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ है 1 जनवरी 1950 ईस्वी को झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामक नामक गांव में। कहाँ हुआ है? झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा नामक गांव में हुआ है ज्ञानेंद्रपति का जन्म। इनकी माँ का नाम था सरला देवी और इनके पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। हालांकि इनका जन्म झारखंड में हुआ था, लेकिन मूलतः यह रहते कहाँ थे? मूलतः यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव के ही स्कूल से की है। तत्पश्चात बीए और एमए इन्होंने अंग्रेजी विषय के साथ पटना विश्वविद्यालय से किया है और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके पश्चात इन्होंने हिंदी विषय के साथ भी एमए किया और वो किया आपको बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ से प्रश्न आपको यह बन सकता है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ? आप कहेंगे 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो पथरगामा गोड्डा झारखंड में। इनका निवास स्थान कहाँ था? तो यह हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनकी माँ का नाम क्या था? सरला देवी। इनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। ज्ञानेंद्रपति ने अंग्रेजी विषय से एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? तो पटना विश्वविद्यालय से किया है। और हिंदी विषय से एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड में और इसी तरह का आपको उत्तर लिखना है। अगर इनके बारे में कहा जाए तो यह आधुनिक काल के लेखक हैं। किस काल के लेखक हैं? तो आधुनिक काल के लेखक हैं। ज्ञानेंद्रपति आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल में किस शती के लेखक हैं? तो 20वीं शती के लेखक हैं। और 20वीं शती के किस दशक के? तो 8वें दशक के ये एक कवि हैं। तो कह सकते हैं कि प्रश्न ऐसा पूछा जाए, ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल के। ज्ञानेंद्रपति किस शती के लेखक हैं? तो 20वीं शती के लेखक हैं। ज्ञानेंद्रपति 20वीं शती के किस दशक के लेखक हैं? तो यह 8वें दशक के लेखक हैं। इनके बारे में कहा जाए तो यह बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा चयनित हुए थे। और किस पद पे थे? तो यह कारा अधीक्षक के पद पे थे। और उस पर पद पर रहते हुए इन्होंने कैदियों के लिए कई सारे कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाए और अंत में जो है इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और सिर्फ कविता लेखन का काम ही किया। तो प्रश्न यह पूछा जाएगा कि ज्ञानेंद्रपति किस पद पर नियुक्त हुए थे? आपका सही जवाब हो जाएगा कारा अधीक्षक के पद पे। अब इनके सम्मान की अगर बात करें तो इन्हें पहल सम्मान मिला हुआ है 2006 ईस्वी में। संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, वो भी 2006 ईस्वी में। तो इन्हें कुल मिला के 2 सम्मान मिले हैं, पहल सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों ही 2006 ईस्वी में मिला है। और कई बार यह पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किस रचना के लिए मिला है? तो इनकी रचना संशय आत्मा के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब प्रश्न यह उठता है कि संशय आत्मा की रचना इन्होंने कब की थी? तो संशय आत्मा की रचना इन्होंने सन 2004 ईस्वी में की थी और 2006 ईस्वी में इन्हें इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो अगर यह पूछे कि ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा संशय आत्मा।
चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। अब देखते हैं इनके द्वारा लिखे गए कविता संग्रहों की, इनके द्वारा लिखे गए कविता संग्रह है आँख हाथ बनते हुए। इसकी रचना इन्होंने सन 1970 ईस्वी में की थी। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। इसकी रचना इन्होंने 1980 ईस्वी में की है। गंगा तट, यह भी एक कविता संग्रह है और इसकी रचना इन्होंने सन 2000 में किया था। संशय आत्मा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसकी रचना इन्होंने सन 2004 में किया था। और भिन्सार की रचना इन्होंने 2006 में की थी। कवि ने कहा, इस कविता संग्रह की रचना इन्होंने जो है सन 2007 ईस्वी में किया था। तो हालांकि सभी कविताओं को याद रखना है, लेकिन जो मूल है वो आपको याद रखना है, वो है संशय आत्मा, भिन्सार, कवि ने कहा, ये तीन को भूलना नहीं है। बाकी दोनों तीनों से प्रश्न कम आते हैं, ठीक है ना, या विकल्प में ही यह रहते हैं, लेकिन इन तीनों से, ये तीन, इससे प्रश्न रहता है, इससे प्रश्न रहता है, ये भी ऑप्शन में रहता है और इससे भी प्रश्न रहता है। चलिए, इनके द्वारा लिखा गया एक काव्य नाटक भी है और उस काव्य नाटक का नाम है एक चक्रा नगरी। तो प्रश्न अगर यह पूछा जाए कि एक चक्रा नगरी किस विधा की रचना है, आपका जवाब हो जाएगा यह एक काव्य नाटक है। प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि पढ़ते पढ़ते यह किस वर्ष की रचना है, तो यह सन 2005 की रचना है। पढ़ते गढ़ते यह किस विधा की रचना है, तो यह कथितर गद्य है। और यह किस कवि की रचना है, तो यह ज्ञानेन्द्रपति की रचना है। ये थे ज्ञानेन्द्रपति से संबंधित तमाम जानकारियां। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। साथ में हमारा इसके साथ ही अगर आपको किसी पूरी वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी जाकर के बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।